हरी मिर्च ली है, इनको मैंने बारीक काट लिया है, जिनको मैं अब ये देखिए मेरी दाल, मैंने एक विसिल बोली थी, एक विसिल होने से पहले मैंने गैस ऑफ कर दी थी, बस इतना ही से पकाना है। और खोलने के बाद मैंने इसमें जो हरी मिर्च और टमाटर काटे थे वो इसमें हम ऐड कर देंगे। और हाँ, अब हम इसमें कुकर में ढक्कन नहीं लगाएंगे, अब इसे ओपन ही हम बनाएंगे, क्योंकि जो मैं ढोकली बना रही हूँ उसे पकने में भी टाइम लगेगा। दाल मेरी मोस्टली पक गई है, मैंने पहले से ही आटा गूंद के रख लिया था। अब इसको मैं इस तरह से लंबा करके और इसके हम पीसेस काट लेंगे। हम ज़्यादा बड़े या मोटे पीसेस नहीं लेंगे, हम छोटे लेंगे, क्योंकि हमारी जो दाल है वो थोड़ी सी ही रह गई है पकने में, और हमें ये आटा अगर हम मोटा पीस लेंगे तो उसे पकने में बहुत टाइम लगेगा और बाद में खाने में भी अच्छी नहीं। जब तक मैं दाल ढोकली बना रही हूँ, यानी इसे बेल रही हूँ, उसकी डिज़ाइन बना रही हूँ, आपको ये कहूँगी, अगर आपके बच्चे रोटी खाने में, दाल खाने में कतराते हैं, तो उनके लिए आप नई नई डिज़ाइन की आप ढोकली बना के उन्हें खिलाओगे, तो उन्हें ये देख के वो इंजॉय भी करेंगे और उसे बहुत ही अच्छी तरह से टेस्ट तो होगा ही होगा, लेकिन आपकी जो डिज़ाइन वाली जो ढोकलियाँ होंगी उनको देख के भी वो इंजॉय करेंगे। और आप मानो, सच में मानो, वो बार बार आपसे मांगेंगे कि मुझे फिर दाल ढोकली खानी है। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये ढोकली ये प्रेस करके मैंने बनाई है, और एक कोर बनाई है, बहुत ज़्यादा मोटी या पतली नहीं बनानी है। जब ये बन जाएगी हमारी दाल ढोकली, मैंने दो लोग के हिसाब से बनाई, तो मेरी थोड़ी ही बनानी है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ये मैंने गैस अब स्लो फ्लेम में ऑन कर लिया है, और ये देखिए अब इसमें मेरी ढोकली मैंने बनाई है वो इसमें ऐड करूँगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। अब मैं इसमें अपनी जो गोल और जो डिज़ाइनर ढोकली है बनाई थी वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी, और थोड़ा स्लो फ्लेम में रखूंगी। और हाँ, ढक्कन अब कुकर का ढक्कन बंद नहीं करेंगे, फ्लेम स्लो रखेंगे, ऊपर से ढक्कन हम लगा देंगे, लेकिन फ्लेम स्लो में ही हम इसे खुले में बनाएंगे। 15 से 20 मिनट और हमें इसे पकाना है। जो हमारी ये ढोकलियाँ इन्हीं को पकनी है, दाल तो मोस्टली पकी गई, थोड़ी बहुत ही उसमें रह गया पकना। ये देखिए हमारी ढोकलियाँ अब तैयार हैं, आप अब इसका तड़का लगाइए और इसे इंजॉय करिए। तो हम तड़के के लिए मैंने तैयारी की, पैन में मैंने 2 चम्मच देसी घी लिया। आप किसी और से, मैं नहीं कहूँगी किसी और से तड़का लगा लो, क्योंकि इसका जो टेस्ट है देसी घी से ही आएगा। फिर मैं इसमें कुछ लहसुन की कलियाँ काट के रखी हैं, उन्हें छिलके मैंने कट कर ली हैं। पहले मैं लहसुन की कलियाँ डालूँगी, क्योंकि लहसुन की कलियाँ देर लगाती हैं लाल होने में, जीरा जल्दी लाल हो जाता है। फिर मैंने 1/2 टेबल स्पून जीरा डाल दिया है, और 1 पिंच मैंने हींग डाली है, और मैंने कश्मीरी और देगी मिर्च दोनों ऐड करी है 1/1 स्पून, इससे मेरा थोड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। ये मेरा तड़का तैयार है, आप इसमें दाल ढोकली को इसमें ऐड कर देंगे और फिर हम इसे एंजॉय करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिलीशियस बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही फटाफट बनती है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करके देखना और इसे एंजॉय करना। और आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करके जाना। और हाँ, अगर वाकई वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे प्लेलिस्ट को एक बार चेक करना और मेरे चैनल पर भी विज़िट करना। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, और आप कोई नई तरह की डिश या कुछ और डिश देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके लिए वो डिश दिखाने के लिए, और आपके लिए और भी नई नई डिशें लाने के लिए। और आप इसे इंजॉय करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, और मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं आपसे फिर नई वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में, जो आपके लिए एक नई तरह की रेसिपी होगी। मैं कोशिश करूँगी कि कुछ नया लेके आऊँ आपके लिए।
तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना और सबका ख्याल रखना। बाय बाय।